हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक्स है वो है क्यूब रूट। हम लोग क्यूब रूट डिफाइन करेंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब घनमूल, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्यूब रूट है आपका 512 4913 27000 157 4 6 4, यही है ना। सिंपल सा इसको आज ट्रिक से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है ट्रिक? आपको ये जो है कम से कम आपको 10 तक तो क्यूब रूट याद रखना होगा। अगर 10 तक याद है, जैसे 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 का क्यूब रूट आपका 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 3 के बाद 4, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का, ये क्यूब रूट यहां पे लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब बनाना कैसे है से देखिए। 512 तो ये तो सिंपल सा बन जाएगा आपका, 512 है तो ये ऐसे भी याद था कि 8 का होता है, तो 8 इसका आंसर हो गया। अब यहां पे है 4913, ये दिक्कत है। तो सबसे पहले इसको ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और एक ग्रुप इसका 3 डिजिट का बनेगा और ये साइड से आप ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो 3 डिजिट का आपका ग्रुप बन गया, क्योंकि क्यूब में 3 नंबर होता है, यही ना। तो 3 डिजिट का एक ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप ये बन गया। अब इस ग्रुप का लास्ट डिजिट को देखिए, लास्ट डिजिट आपका कितना है? 3 है, ठीक है, लास्ट डिजिट आपका 3 है। तो आप यहां पे देखिए कि 3 जो है वो किस में आया है। 1 में तो नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है, 5 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं है, 7 में है। ये 3 यहां पे देखिए 7 में है ना, यहां पे 3 आपका बिल्कुल है। तो यहां पे सिंपल सा आप लिख दीजिए, कुछ भी मत कीजिए, 7 लिख दीजिए, ठीक है। यहां पे आप 7 लिख दीजिए, लिख दिए, कोई दिक्कत। अब ये एक नंबर बचा है 4। अब देखिए कि 4 कहां आता है, 1 के बाद सीधे 8 आ गया, तो ये दोनों के बीच में ही 4 आएगा, आएगा ना। यहां पे 1 है, यहां 8 है, तो ये दोनों के बीच में ही 4 आएगा। तो अब दोनों के बीच में 4 आएगा तो कौन सा नंबर हम लिखेंगे? जो छोटा नंबर है, छोटा, ये बड़ा वाला नहीं लिखेंगे, छोटा लिखेंगे। छोटा क्या है आपका? 1 है, तो 1 वाला नंबर को लिखेंगे यहां पे 1, यानी कि ये 17 का क्यूब रूट है, 17, ठीक है। बिल्कुल इजीली ढंग से आप इसका वैल्यू डिफाइन कर लिए, हो गया ना। अब ठीक उसी प्रकार यहां भी आपको करना है। ग्रुप बन गया, तो ये तो 0 है, इसलिए यहां पे 0 लिखाएगा। ये 27, आप चूज कीजिए 27 कहां पे है, 27 यहां पे है, ये तो मिल गया, किसका है? 3 का है, तो लिख दिए। ये 30 का क्यूब रूट हो गया, सिंपल सा। आगे है, यहां भी बनाइए आप, ग्रुप मिल गया, बिल्कुल ये 2 ग्रुप में बट चुका है। अब ध्यान से देखिए, ये थोड़ा बड़ा है, 2 ग्रुप में बट गया। 4 देखिए इसमें कहां पे है, 4 में है, तो 4 लिख दीजिए। अब ये है 157 किधर है, 125 216, ये दोनों, तो क्या है कि 216 होता तो हम 6 लिख देते, लेकिन नहीं, ये दोनों के बीच में होगा, तो बीच में होगा तो आपको डिवाइड वाला मेथड याद है ना, कि छोटा नंबर लेते या तो उतना ही रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो छोटा, तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है? 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, 54 का है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां भी इसको 2 ग्रुप में बांट दिए, 2 ग्रुप में ये बट गया, तो 2 ग्रुप में ये बट गया 5, तो ऑटोमेटिक 5 का होगा, तो यहां 5 लिख दिए। अब यहां देखिए 91,
1827, 64, 120, ये दोनों को बीच में 91 आएगा, तो छोटा डिजिट कौन है, 4 है, तो 4 यानी 45। एकदम इजीली ढंग से आप बना लिए, कोई दिक्कत हुआ यहां पे? कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से आप बना रहे हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था, ठीक है, जिससे आप आसानी से जो है से फाइंड द क्यूब रूट निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है, इस सब का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे भी बड़ा बड़ा हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 10 तक नहीं याद रखना होगा, बल्कि आपको कहां तक याद रखना होगा, 20 तक, उसके बाद इससे भी बड़ा बड़ा क्यूब रूट आप आसानी से निकालिएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, जय।